फेसबुकवर नागपूरचे सीपी अमितेश कुमार यांच्या नावाने फेक अकाउंट बनवून त्यांच्या नावाचे फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणाऱ्या सोबतच सीआरपीएफ ऑफिसर असून बदली झाली आहे त्यामुळे फर्निचर विकायचे आहे असे सांगत आरोपीने दोन लोकांची फसवणूक केल्याची तक्रार सायबर पोलिसांना मिळाली होती. त्या अनुषंगाने तपास करून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. आता अकाउंटमधून पैसे काढून आपसात वाटप करणाऱ्या आणखी एक सायबर गुन्हेगाराला पोलिसांनी बेड्या ठोकले आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहे. दोन सप्टेंबर 2023 माननीय सी पी साहब इनका फेक अकाउंट बनाया गया था और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट लेकर सीआरपीएफ का ऑफिसर करके और बदली करके फर्नीचर बेचने वाला हु करके ऐसा फंसा के दो विक्टिम से अलग अलग पैसे ले गए थे. ये गुना दाखिल था अपना साइबर पुलिस थाने में. उसमें तत्काल हमारी टीम भेजी गई और वो टाइम पे तीन आरोपी अटक किए हुए थे जिसमें ये एटीएम विड्रॉल हुआ था वो ऐसा मिला के सब तीन आरोपी अटक किए थे. उसके बाद हम लोग ने दो दिन पहले रुकमुद्दीन सहबुद्दीन वह 28 साल इसको अरेस्ट किया. ये अकाउंट से पैसे निकाल के आगे ट्रांजैक्शन उसका फॉरवर्ड करता था और ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करता था. ये ऐसा इसका रोल है. इसको हम लोग ने अरेस्ट किया है और उसमें से आरोपी अरेस्ट करने हैं वो भी तपास चालू है.